नमस्कार, एमपीसी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ में शीतल। प्रशासन आया हरकत में, पटवारी मौके पर भेज बनवाया पंचनामा। हरदा टिमर ने विकास खंड के ग्राम तजपुरा में शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की जमकर हो रही किरकिरी, बार बार टिमरनी प्रशासन की लाचारी सामने नजर आ रही है। आज प्रशासन फिर हरकत में आया और दो पटवारियों को मौके पर भेज वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर पंचनामा बुलवाया गया। पटवारी रामकृष्ण राजपूत एवं मनीष कुशवाहा मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि आज हमें एसडीएम एवं तहसीलदार महोदय जी के द्वारा निर्देश मिला, जिससे मौके पर आकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण एवं पंचनामा बनाकर ले जा रहे हैं, जिसे एसडीएम एवं तहसीलदार महोदय जी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं पटवारी राजपूत एवं कुशवाहा ने बताया कि हमारे द्वारा अतिक्रमणकर्ता लक्ष्मी नारायण एवं उनके पुत्र अनिल गोविंद को दूरभाष के माध्यम से मौके पहुंच सूचना दी गई और बुलाया गया, लेकिन अतिक्रमणकर्ता मौके पर नहीं आए। अतिक्रमणकर्ता के पुत्र अनिल ने दूरभाष पर हमें बताया कि उस रास्ते से अतिक्रमण नहीं छोड़ेंगे, हमारे द्वारा दूरभाष पर ही हिदायत दी गई कि उक्त शासकीय रास्ते को अवरुद्ध ना करें, उक्त रास्ते पर फसल ना बोएं, किंतु अतिक्रमणकर्ता के पुत्र के द्वारा उक्त रास्ते पर मूंग की फसल की बुआई कर दी गई है। टिमरनी प्रशासन की एक बार फिर हुई किरकिरी। दो पटवारी एवं दो कोटवार के सामने दबंग अतिक्रमणकर्ता ने सारी हदें पार करते हुए सरेआम प्रशासन को अपना रुतबा दिखाते हुए बिना किसी भय झिझक के साथ में दो पटवारी और दो कोटवार के सामने शासकीय रास्ते पर मूंग फसल बुआई की गई और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए यहां बता दिया गया कि प्रशासन से मुझे कोई भी भय नहीं है। मौके पर दो पटवारी एवं दो कोटवार यह देखकर पंचनामा बनाकर लौट गए। जब हमने इस पूरी जानकारी के लिए वरिष्ठ अधिकारी टिमरनी एसडीएम से दूरभाष पर चर्चा करना चाहे तो उन्होंने अपनी जवाबदारी से पीछे हटते हुए फोन रिसीव नहीं किया गया। एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस, हरदा से मुकेश कलम की रिपोर्ट।